जस्टिस, हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारी मांग पूरी करो, इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, जस्टिस, वी वांट जस्टिस, आवाज दो, हम एक हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम रईस अहमद भट्ट है, मैं पहलगाम का लोकल रहने वाला हूँ। आज यहाँ पे हमारा जो मुद्दा और मकसद था जमा होने का, हमारा जो रोज़गार का मसला है, पहलगाम के जो जितने भी लोग हैं वो सारे आज जमा हुए हैं। एसटी लोग, जो एसटी लोग हम लोग दोनों लोग मिलके यहाँ पे काम करते हैं, अपना रोज़गार चलाते हैं। अपना जो पहलगाम है, साइड सीन है, बैसारन है, डबेन है, कश्मीर वैली है, जहाँ पे घोड़े जाते हैं, ये सारे घोड़े वाले हैं। इनका जमा होने का मुद्दा यही है कि जो यहाँ से नीचे 14 किलोमीटर पे नया जो होटल्स बने हैं राफ्टिंग पॉइंट पे, वहाँ पे जो भी टूरिस्ट आता है, चाहे श्रीनगर से जो भी गाड़ियाँ आती है वहाँ पे रुकने के लिए, नाइट स्टे करने के लिए, वहाँ पे उन्होंने गुंडागर्दी से एक पोन स्टैंड खोला है, जिसकी वजह से हमारा रोज़गार पर असर पड़ता है। अगर वहाँ पर पोन स्टैंड इशू हुआ है, वो लोग बोलते हैं हमें रजिस्ट्रेशन है, लेकिन वो इलीगली है, क्योंकि ऑलरेडी पहलगाम में हमें एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि आप घोड़े कम कर दो, यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो है घोड़ों का। उसके बावजूद भी वहाँ पे जो पोन स्टैंड खोला गया है, वहाँ पे कोई पॉइंट रजिस्टर्ड नहीं है, जैसा यहाँ पे, मतलब अभी नेट पे चेक कर लो, गूगल पे चेक कर लो आप, जैसा यहाँ पे मिनी स्विट्जरलैंड फेमस है पहलगाम के अंदर है, वो लोग वहीं पर बताते हैं टूरिस्ट को, हम बैसारन दिखाते हैं। अभी तक हमने कम से कम 100 टूरिस्टों ने बताया है कि पहलगाम आके हम घोड़े पर बैठे हैं, हमने बैसारन भी देखा है, हमने आड़ू भी देखा, हमने चंदनवाड़ी भी देखा है, कि जबकि प्रॉपर पहलगाम में टूरिस्ट नहीं पहुंचता है। आपकी वजह से ये बात मैं प्रशासन तक, गवर्नर प्रशासन तक, सेंट्रल गवर्नमेंट तक और ट्रैवल वालों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ट्रैवल वालों को भी चाहिए कि आप लोगों का भी इसमें अहम रोल है कि टूरिस्ट को बताना चाहिए आपका जो होटल है वो पहलगाम से बाहर 14 किलोमीटर पर है, बाकी आपको साइट सीइंग करना है वो आपको पहलगाम में करना है, क्योंकि ट्रैवल वालों का अहम रोल है इसमें और श्रीनगर के ड्राइवरों का भी रोल है इसमें कि पहलगाम राफ्टिंग पॉइंट से 14 किलोमीटर दूर है, वहाँ कोई साइट सीन नहीं है, वहाँ पे गुंडागर्दी है, वहाँ पे गुंडा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक उनका कोई परमिशन भी नहीं दिया हुआ है कि आप लोग स्टैंड यहाँ पे खोलो, आप लोगों का ये रजिस्टर्ड पॉइंट है, पता नहीं वहाँ पे डिफरेंट जंगलों में लेके जाते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई सिक्योरिटी जोन नहीं है, जबकि टूरिस्ट जाके वो कहीं पे भी लेके जाते हैं, टूरिस्ट को क्या पता है, कुछ इंसिडेंट हो जाए उसका नाम पहलगाम के ऊपर आते हैं। हम इसीलिए यहाँ पे जमा होते हैं, बार बार हम जमा हुए हैं, जब भी कोई इंसिडेंट नीचे हुआ है पहलगाम के लोग शाना बशाना एडमिनिस्ट्रेशन के साथ खड़ा रहा है, चाहे यात्रा का मसला हो, चाहे किसी भी इंसिडेंट का मसला हो, पहलगाम के लोग हर बार टूरिस्ट के साथ या एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़ा रहते हैं, क्योंकि वो इसलिए यहाँ पे 99% जो पॉपुलेशन है वो डिपेंड ऑन टूरिज्म है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट रही है, रहेगी हम लोगों की, क्योंकि आज तक उन्होंने बड़ा रोल निभाया है इसमें और उन्होंने कोई अलो भी नहीं किया वहाँ पे किसी भी चीज़ का, किसी भी एक्टिविटी का नहीं अलो, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है हमारा कि आप लोग इस मुद्दा और मकसद पर थोड़ा सा तवज्जो दें। अगर वहाँ पे टूरिस्ट, अभी तक टूरिस्ट यहाँ पे 100 टूरिस्ट आए, हम उनको बोलते हैं हमने बैसारन भी देखा है, डबियन भी देखा है, गाड़ी का साइड सीन भी देखा, तो देखा है क्या टूरिस्ट ने, हम लोगों को समझ में नहीं आता है वो बैसारन है कहाँ पे। अगर एक्चुअल में बैसारन पहलगाम में है राफ्टिंग पॉइंट पर, कहाँ से बैसारन आ गया? अगर डबियन पहलगाम में है राफ्टिंग पॉइंट पर कैसे आ गया? आरोवेली अगर पहलगाम में है, बेतावेली पहलगाम में है, वो राफ्टिंग पॉइंट पर कैसे, मतलब कैसे दिखाते हैं टूरिस्ट को, चीट कैसे करते हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहे। यहाँ की जो हॉस्पिटलिटी, यहाँ की जो मतलब बिहेवियर है, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है।
जबकि पहलगाम टूरिस्ट डेस्टिनेशन नंबर वन वर्ल्ड में आती है, और इसी के साथ टूरिस्ट के साथ चीट होता है वो हमें, वो पहलगाम के ऊपर नाम बदनाम हो जाता है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, आप मोगरा पहलगाम में इंक्वायरी कीजिए, वहाँ पे साइड सीन क्या दिखाते हैं ये लोग, कहाँ लेके जाते हैं उन्हें, ना मतलब वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ है, ना कोई रजिस्टर्ड पॉइंट है। जी, हमारा यहाँ पे जमा होने का मुद्दा और मकसद, आप इतने लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हम तमाम जो हैं हम पोनी का काम करते हैं यहाँ पे पहलगाम में पिछले 20-25 साल से, जबकि आज एक नया बर्निंग इशू हुआ है यहाँ पे राफ्टिंग पॉइंट पे, कुछ चंद लोग हैं जो वहाँ पे पोनी स्टैंड बनाना चाहते हैं, जबकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनको कहा है कि यहाँ पे आपको स्टैंड नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो इलीगल है, लेकिन उसके बावजूद भी वो वहाँ पे टूरिस्ट को हाईजैक करते हैं, ड्राइवरों के साथ मिसबिहेव करते हैं। कल भी हमने यहाँ पे बहुत से टूरिस्टों ने कहा हमें कि आप यहाँ से 20 किलोमीटर पहले घोड़े वाले हैं जो टूरिस्ट को मिसबिहेव करते हैं, ड्राइवर के साथ मिसबिहेव करते हैं। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि यहाँ पे पहलगाम के जो लोग हैं, ये तमाम की गुजारिश हमारी यही रहेगी कि हमें यहाँ पे घोड़ा चलाने के लिए वहाँ पे जो वो स्टैंड है वो बंद किया जाए क्योंकि वो इलीगल है। वहाँ पे कौन सा इस्पात दिखा दे, जबकि पहलगाम यहाँ से 16 किलोमीटर राफ्टिंग पॉइंट पहलगाम से दूर है, वो वहाँ पे कौन सा मिनी स्विट्जरलैंड दिखाते हैं, जबकि मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में है, बाईसरा कश्मीर वैली जो है वो पहलगाम में है, वो लोग वहाँ से कहाँ लेके जाते हैं टूरिस्ट को। इसलिए हमारी गुजारिश रहेगी, और हम जो यहाँ पर तमाम लोग हैं हम एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे कम से कम अगर कश्मीरी लोग 500 काम कर रहे हैं तो, और गोजर लोग भी यहाँ पे 400 के करीब काम करते हैं, और यहाँ पे यही यहाँ के गोजर लोग नहीं काम करते हैं जो कि वहाँ के भी है, मोवरा के बैटकूट से आते हैं या झिंझर से, वो जो गुजर लोग आते हैं वो भी यहाँ पे काम करते हैं। आज समझ नहीं आता कि वो किस तरीके से वहाँ पे एक पोनी स्टैंड उन्होंने खोला है। इसलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश रहेगी कि वो बंद किया जाए, वो इलीगल है। जी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, मैं आपका शुक्र गुज़ार हूँ कि आपकी माध्यम से मैं ये बात एडमिशन तक पहुँचाना चाहता हूँ और सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हमारी बात पहुँचनी चाहिए। बाकी चीज़ बात ये चीज़ है कि हमारे पे यहाँ पे एक किस्म का, हम पोनी वाले जितने भी हैं हम पे एक जुल्म होता जा रहा है। क्या जुल्म हो रहा है कि यहाँ पे से नीचे 18 किलोमीटर राफ्टिंग पॉइंट है, अगर वहाँ पे पोनी स्टैंड उन्होंने बनाया, चलो ठीक है अगर बनाया, मगर हमें बदनाम ना करें, उन्होंने पोनी स्टैंड वहाँ पे बनाया, वो बोलते हैं बाईसरन यहाँ पे है पहलगाम में, वो बोलते हैं यहाँ पे है बाईसरन, अगर बाईसरन राफ्टिंग पॉइंट पे है तो पहलगाम में क्या था फिर, पहलगाम में अगर बाईसरन है, यहाँ के जितने भी घोड़े वाले हैं, हम जितना भी घोड़ा आना गुजर बरादरी तो वहाँ हम कम से कम 1000 लोग एस टी के नाल ताल्लुक रखा, हम गुजर हैं जितना भी, मारो रोजगार यही पहलगाम गो कोड़ा गो काम है, बाकी के मारो और कोई काम है नहीं। अगर राफ्टिंग पॉइंट के ऊपर कश्मीरी लोग रही वे नॉन एस टी उनके ना 500 एस टी लोग ही, खाली ओनली 500 लोग है एस टी का, उन्होंने उत बढ़ाया स्टैंड, उन्होंने स्टैंड बढ़ा गया, उसके बरकस हमना मारा काम गया ऊपर, असर 19 अटी के जो मेन स्पॉट है वो पहलगाम है, अड़ू वैली पहलगाम में मनु जाए, बेताब वैली पहलगाम में मनु जाए, बाईसरन पहलगाम में, कश्मीर वैली पहलगाम में, हंटिंग प्लेस डबियन पहलगाम में, अगर मोवरा राफ्टिंग या ऊपर पहलगाम बाईसरन है तो आज मतलब है कि फिर पहलगाम है ही नहीं मौजूद में, वे 16 किलोमीटर या 18 किलोमीटर कस्टमर ने रोक के उसके नाल मिसबिहेव करें, उसके नाल बदसलूकी करें, यू जायज़ नहीं, मारो पहलगाम गांगो बिहेवियर जो है आज तोड़ो ही, मारो सलूक जड़ो है यू मन्यो गयो, हम अपना असूल के मुजब करा कि जड़ो हमने आज तक व्यवहार की हुई है टूरिस्ट के नाल लोगों के नाल, मारो असूल चले हुई है, हमने आर खड़ी असल तो असल गल की ठीक की हो, बदतजीबगी नहीं की ता मारो रोजगार यू चले लगो, वे बदतजीबगी करें और कस्टमर ने धोखो दी सरासर बेईमानी करें यू गलत वह, हिंदुस्तान तो टूरिस्ट कदे घूमन के वास्ते वो इंजॉय के वास्ते वह कश्मीर में उसने इंजॉय करन दो, उसकी मर्जी वो पहलगाम तो बैसा कोड़ावर गड्डी में जाए, उन्होंने उत पकड़ गया कस्टमर ने लवी गड्डी के बीचों आ भाई कोड़ावर चढ़ के दसंगा कख भी नहीं, मारा ऊपर जुल्म ना करो, हम बाकी का जितना भी गुजर लोग हैं हम रोजगार मारो है यू मारो जुल्म है, बाकी अस्सलाम वालेकुम। ये कहना चाहते हैं जो वहाँ के गिने चुने लोग हैं वो वहाँ पे मिसगाइड करते हैं हमारे टूरिस्ट लोगों को, और जो यहाँ सीओ पहलगाम हमारा है इसने भी वो रिजेक्ट किया था वो पॉइंट, उन्होंने माना नहीं, वो तो अपनी मनमर्जी से और जोरावरी से कस्टमर को नीचे उतारते हैं, वहाँ पॉइंट दिखाते हैं, लेकिन जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है किसी एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं माना उनको, वहाँ पे कोई भी पॉइंट दिखा रहा है, वो इलीगल है। आपका क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा ये है
पहलगाम को बदनाम ना कीजिए और पहलगाम जो है वो पहलगाम सुपार्ट है, मिनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में है, आड़ू वैली पहलगाम में है, दूनू वैली पहलगाम में है, चनमवाड़ी पहलगाम में है, वो जो मोवरे में पॉइंट वो दिखाते हैं वो गलत पॉइंट है, वो बंद होना चाहिए। हम गुजर लोग एस टी के नाम ये कहना चाहवा, हम कम से कम 500 एस टी आई जे गंजी बाल मादा घर बसे वेल दिद्रू मन इस सारा लगभग कश्मीरी काटनी गुजर ज्यादा है, नंगल बाल मारो गुजर ज्यादा, और उस टाइम हम अमरनाथ चलावा खड़ी बुढ़ अंग पत्थर मारे था नंगरावर, हम उस टाइम अमरनाथ चलावा थोड़ी मारे लासन पुरानी लासन थी, आज ये आगे पॉइंट बनावे हम किया जाए, मारा इज्जत में जहर दो, मारा कोठा देखो, हमने इनविटेशन बढ़ा देती कुछ नहीं, मारा आड़ा में देखो कोठा, मारा इल्पार्की में देखो कोठा, मारा मामले में देखो कोठा, हमने कुछ मनान देती, मारा रोजगार खाली हुई है गुजरों को खास तौर, कश्मीरी फिर भी कुछ करेंगे, मारो खास जी तौर हुई है, इनविटेशन या गो या मारो गलो गोट या उन्हें बंद कर, बस हम ये कर अल्लाह के नाम से। लेकिन ये बात जो गलत है, सब झूठ दिखाते हैं, झूठ रहता है ये, लेकिन ये ऐसा बात चलता नहीं है, ये जहाँ भी दिखाते हैं सो फेक दिखाते हैं, फेक मत दिखाओ मेरे भाई, इनको मत ऐसे करो टेली, ऐसे मत टेली करो, ये गलत रहती है, गलत बात करती है, लेकिन जो भी दिखाते हैं वहाँ पॉइंट कहाँ है, पॉइंट महाराजा हरि सिंह कहाँ है, उधर ये इधर ही बने जो भी पॉइंट है पहलगाम में, उसको बंद करो, उसको बंद करो, ये ठीक है। में रहने वाले हैं, हमारे साथ जो ना इंसाफी की जाती है जोड़ा मुहावरे वाला ही ये हमारे साथ ना इंसाफी करी, हम यही चाहवा कि पिछले साल 10 साल हमें जो काम करूँगा तो हमारे नाल जो ना इंसाफ करें, ये मुहावरे का जो गलत है जो जरूर बंद होना चाहिए, कि जो अगर डबियन पॉइंट है या बाईसरन पॉइंट है या आड़ो वेलिया जो अगर पहलगाम में है दूजो ना किसरा इसको मुहावरे में पै गयो, जो जो पॉइंट जो मनी स्विट्जरलैंड पहलगाम में है, हम मीना भी 10-15 साल हो गए जो काम करता है ना, मी कदे नहीं सुनियो कि बाईसरन राफ्टिंग पॉइंट पर है, तो बाईसरन अगर इतना है पहलगाम में आड़ोवेली पहलगाम में है तो इनके नाल नाइंसाफी क्यों करी जाए कि आड़ोवेली यो है बाईसरन यो है, इस वजह से ये बंद होना चाहिए, हमारी गुजारिश यही है कि हमारे नाल इंसाफ किया जाए।